शिवायन मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपके लिए पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का एक विशेष उपाय लिख रहे हैं जो कि गुरुवार के दिन आ रही है। यह साल की पहली अमावस्या और बहुत सारा विशेष रहने वाली है। इस दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में व्याघात योग के साथ साथ हर्षण योग रहने वाला है, तो आपने अवश्य इस दिवस पर एक उपाय अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डलते हैं, आप अपनी समस्या तो एक विशेष उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में ग्रह क्लेश की मुक्ति होगी। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आपसे ना बनती हो, घर के सदस्यों में क्लेश रहता है, तो अवश्य इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को उन लोगों ने अवश्य करना है जिनको लगता है कि उनके बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, और साथ साथ में इस उपाय को पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका जिनको लगता है कि वो अपने पार्टनर से प्यार करते हैं किंतु उनका पार्टनर उनसे उतना प्यार नहीं करता है, तो आपने इस प्रेम वृद्धि के लिए भी इस उपाय को अवश्य कर लेना है। तो आइए बिना किसी देरी के उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दें हमारे चैनल प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। तो आइए बिना किसी देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी एक लोटा जल की, जो कि तांबे का ही लोटा होना चाहिए, किंतु जल आपने घर से ही भरना है। यदि घर में मटका है तो मटके से जल भर ले, नहीं तो घर के किचन से शुद्ध जल भर लीजिएगा। इसके साथ ही आपको ले लेना है लाल चंदन, और इसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। केवल इन सामग्रियों से आपने इस उपाय को करना है। अब इन सब सामग्रियों को लेकर आपने पहुंचाना है शिवालय। वहां पर सबसे पहले आपने लाल चंदन अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देना है। जब आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन करना है तब आपने उस व्यक्ति को अवश्य याद कर लेना है जिसको भी आप सुधारना चाहते हो। उसके बाद आपके पास जो यह शायद होगा आपने ठीक इसी लाल चंदन के ऊपर लेपन कर देना है। उसके बाद आपके पास जो यह एक लोटा जल होगा, याद रहे जब आपने एक लोटा जल महादेव पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, उसका नाम गोत्र जीवन की समस्या अवश्य कह देनी है। जिस भी व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हो उसका नाम और गोत्र लेकर उसकी समस्या कह देनी है और उसको सुधारने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। हम आपको बता दें कि शिव पुराण का बहुत ही प्रभावकारी उपाय है। यदि घर में कोई गलत संगत में पड़ गया हो या आप जिस प्रति अपना प्यार बढ़ाना चाहते हो, आप जिस भी पर्सन से आप स्नेह चाहते हो, एकता चाहते हो, तो आपने उसका नाम और गोत्र लेकर यदि आप उपाय कर लेते हो आपके जीवन की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और प्रेम वृद्धि होती है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री शिवायन मस्तुभ्याम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सुंदर सुंदर वीडियो बनाने के लिए। श्री शिवायन मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।